Audio Jungle. कहानी सुचेता कृपलानी की, देश को आजादी दिलाने की एवं भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव बिछाने की। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री। 25 जून 1908 भारत के इतिहास में एक सुनहरा क्षण था, क्योंकि उस दिन सुचेता कृपलानी ने जो लिया जन्म था, एक लेक्चरर के तौर पर की करियर की शुरुआत, डंके की चोट पर किया महिला सशक्तिकरण का आगाज, बनी भारत की वो पहली महिला मुख्यमंत्री। आजादी के लिए उन्होंने जेल की दिशा भी देखी। 1944 में उनके भाषण ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दिखाई, युवाओं और महिलाओं के अंदर आजादी की भूख जगाई। कहा, ये देश हमारा है जो हमें जान से भी प्यारा है, इसी जोश में हमें लगाना वंदे मातरम का ये नारा है, बनना इतना मजबूत हमें कि इस देश पर आज ना आने देना दोबारा है, क्योंकि ये देश हमें जान से भी प्यारा है। हुई शामिल आजादी के आंदोलन में अरुणा असफ अली और उष्मा मेहता के साथ, बुनती आजादी के सपने वो भी दिन रात, पीड़ित इलाकों में पीड़ित महिलाओं को पहुंचाई बड़ी राहत। इनकी इच्छा शक्ति अंग्रेजों के लिए थी एक बड़ी आफत, जुझारूपन और सूझबूझ का उदाहरण उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिखाया, जब उन्होंने महिला विभाग बनाया और 2 साल तक आंदोलन भी चलाया। जगाया महिलाओं में नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का, कहा लहराएगा ये तिरंगा हर जगह शान से हिंदुस्तान का। महिलाओं को आंदोलन के दौरान दी लाठी चलाने, प्राथमिक चिकित्सा और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। अंग्रेजों को पता था कि उनका टाइम अब हो रहा फेडिंग। सुचेता कृपलानी जी ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर दिया विशेष ध्यान, हर मुमकिन कोशिश की कि महिलाएं बना सके अपनी अलग पहचान, अपनी एक अलग स्थान। ये देश हमेशा से रहा महान, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, उष्मा मेहता और सुचेता कृपलानी जैसी अमर महिलाओं ने देश की शान के लिए की अपनी जिंदगी कुर्बान। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। पीस, बी हैप्पी।